प्रो कबड्डी सीजन 9 का मैच नंबर 58 यूपी ओदास वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा। आज के ट्रिपल पंगा का तीसरा मुकाबला होने वाला है एंड यूपी ओदास की टीम अपना पिछला मुकाबला जीती है एंड पुनेडी पल्टन की टीम पिछले 6 मैचेस से अनबीटन है। क्या यूपी ओदास की टीम पुनेडी पल्टन को हरा पाएगी कि नहीं, इस मुकाबले में दोनों टीम्स की क्या स्टार्टिंग 7 हो सकती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में डालेंगे एंड दोनों टीम्स को एनालाइज करेंगे, डिटेल में इस मैच का प्रीव्यू करने वाले। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो यहाँ पे सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे नजर डाले तो यहाँ पे यूपी ओदास एंड पुनेडी पल्टन के बीच में अब तक टोटल 8 बार मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे यूपी ओदास की टीम 4 बार जीती है एंड वहीं पे पुनेडी पल्टन की टीम भी 4 बार जीती है। तो हेड टू हेड में जो आंकड़े है वो बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। अब यहाँ पे दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ओदास की, तो यहाँ पे यूपी ओदास के स्टार्टिंग 7 में देखने को मिल जाएंगे प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, गुरदीप, आशु सिंह, शुभम कुमार, रितेश कुमार एंड सुमित। प्रदीप नरवाल को पिछले मैच में 9 रेड पॉइंट्स मिले थे, सुरेंद्र गिल को 13 रेड पॉइंट्स, गुरदीप को 6 टैकल पॉइंट्स, आशु सिंह को 5 टैकल पॉइंट्स, शुभम कुमार को इस मुकाबले में मौका दिया जा सकता है, नितेश कुमार को पॉइंट नहीं मिला एंड सुमित को 2 टैकल पॉइंट्स मिले। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शुभम कुमार को मौका दिया जा सकता है, अदरवाइज जितने भी प्लेयर्स हैं सेम खेल सकते हैं इस मैच में। अब यहाँ पे बात करते हैं पुनेडी पल्टन के, तो यहाँ पे पुनेडी पल्टन के स्टार्टिंग 7 में देखने को मिल जाएंगे मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, आकाश सिंधे, मोहित गोयत, अभिनेश नदराजन, संकेत सावन, सोमवीर एंड फजल अत्राचली। मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को 1 रेड पॉइंट मिला, आकाश सिंधे को 13 रेड पॉइंट्स, मोहित गोयत को 12 रेड पॉइंट्स एंड 1 टैकल पॉइंट, अभिनेश नदराजन को 1 भी पॉइंट नहीं मिला, संकेत सावन को 2 टैकल पॉइंट्स, सोमवीर एंड फजल अत्राचली को 4-4 टैकल पॉइंट्स मिले थे। तो यहाँ पे असलम इनामदार इस मैच में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनकी जगह पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खिला रही है पुनेडी पल्टन एंड सेम जैसा पिछले मैच में स्टार्टिंग 7 था, इस मुकाबले में भी पुनेडी पल्टन की स्टार्टिंग 7 होगी। अब यहाँ पे दोनों टीम्स को एनालाइज करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जैसे यहाँ पे आपको डेली इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल रहा है। आपको टेलीग्राम पे भी कबड्डी के डेली पोस्ट मैं कर रहा हूँ, तो जितने भी इंटरेस्टेड है मैक्सो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके @FilterKabaddi सर्च करना है, नहीं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूपी ओदास की, तो यहाँ पे यूपी ओदास की टीम ने अभी तक टोटल 8 मैचेस खेल लिए जिसमें से 4 मैच जीती है, 4 मैच हारी है। 24 पॉइंट्स के साथ यूपी ओदास की टीम पॉइंट्स टेबल पे 9th रैंक पे है। अब यूपी ओदास का क्या हो रहा है कि एक मैच जीत रही है, एक मैच हार रही है, एक मैच जीत रही है, एक मैच हार रही है। पिछले मुकाबले में जीती थी, उससे पहले मुकाबले में हारी थी, उससे पहले मुकाबले में जीती थी, तो यूपी ओदास की टीम कंसिस्टेंसी जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। एंड पिछले मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पे प्रदीप नरवाल अच्छा खेले, सुरेंद्र गिल भी फाइनली फॉर्म में वापस आ चुके, लास्ट के 2-3 मैचेस में नहीं खेल पा रहे थे लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा खेला है। एंड डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस भी काफी अच्छा खेल रहा है, और नितेश कुमार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बस अब यही है कि नितेश कुमार अच्छा खेलते तो यहाँ पे डिफेंस में प्रदीप नरवाल के साथ ही साथ यहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी काफी अच्छा खेलेंगे, तो यहाँ पे यूपी ओदास की टीम मुकाबला जीत सकती है। अदरवाइज रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, डिफेंस में थोड़ा दिक्कत है, नितेश कुमार को चलना होगा एंड कवर में यहाँ पे अगर शुभम कुमार को मौका दिया जाता है तो शुभम कुमार को भी खेलना होगा एंड यूपी ओदास को ये मैच कैसे भी करके जीतना होगा। अगर ये मैच हार जाती है तो और भी ज़्यादा दिक्कत में आ जाने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं पुनेडी पल्टन की, तो यहाँ पे पुनेडी पल्टन की टीम में 9 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, 2 मैच टाई रहा है एंड टोटल 32 पॉइंट्स के साथ पुनेडी पल्टन की टीम पॉइंट्स टेबल पे 2nd स्थान पे है। अब देखा जाए तो यहाँ पे पुनेडी पल्टन की टीम ने क्या ही कमबैक किया, स्टार्टिंग में बैक टू बैक हार रही थी लेकिन जब से फजल अत्राचली है, जब से फजल अत्राचली टीम को कप्तानी दी है, यहाँ पे अलग ही तरीके से अब पुनेडी पल्टन की टीम खेल रही है। और टीम न्यूज़ की बात की जाए तो अभी असलम इनामदार इंजर्ड है, 2-3 मैचेस में नहीं खेल पाएंगे इंजरी के कारण, लेकिन तभी भी पिछले मैच में रीडर्स ने काफ़ी अच्छा खेला, उनकी जगह पर आकाश सिंधे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 10 स्कोर किए। और डिफेंस में कवर का थोड़ा इशू है लेकिन कॉर्नर डिफेंडर्स ने क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, सोमवीर 4 टैकल पॉइंट्स लिए, फजल अत्राचली 4 टैकल पॉइंट्स लिए, तो यहाँ पे डिफेंस में थोड़ा इशू नहीं है, बस कवर को थोड़ा और अच्छा खेल सकते, अदरवाइज बाकी सही है।
अब यहाँ पे गेम चेंजर प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा प्लेयर गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल इस मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 8 मैचेस में 77 रेट पॉइंट स्कोर किए 9.62 एवरेज के साथ, जिसमें 3 सुपर 10 भी शामिल है। तो प्रदीप नरवाल धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, इस मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पे फैन पल्स पर नजर डाल लेते हैं, फैन पल्स का क्या कहना है, कौन सी टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी उदास के 62% एंड वहीं पे पुनेड़ी पलटन के 38%, यानी कि यूपी उदास के जीतने के ज्यादा चांसेस है। एंड बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पे मैं भी यूपी उदास के साथ जाना चाहूंगा। यूपी उदास की टीम अच्छा खेल रही है एंड इस मुकाबले में जीत सकती है। अब ये तो मेरा प्रेडिक्शन है, आपको लगता है कौन सा मुकाबला जीत सकती है कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए इसको को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।